नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर दी जाने वाली जमानत की मुद्दत खत्म हो चुकी, अब सजा पूरी करने के लिए उसे वतन वापस लाया जाए। तब्दीली सरकार ने बरतानवी हुकूमत को खत लिख दिया, कहा नवाज शरीफ एक मुजरिम है, सजा पूरी करने के लिए पाकिस्तान वापस भेजा जाए। फिरदौस आशिक अवान कहती है खत कानूनी तकाजा पूरा करने के लिए लिखा गया। और कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, कदाफी स्टेडियम में कलंदर्स का धमाल। लाहौर कलंदर्स ने शिकस्त की हैट्रिक के बाद बिलाखिर जीत का मजा चख लिख लिया। क्वेटा ग्लेडिएटर्स को 37 रन से शिकस्त। कलंदर्स के बैंडॉन ने 10 छक्के लगाकर पीएसएल की एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बना डाला। 43 गेंदों पर 93 रन की शानदार इनिंग्स खेली। उर्दू अदब में क्या क्या जहते हैं? कराची लिटरेचर फेस्टिवल के आखिरी रोज अदब का खजाना समेटने के लिए नौजवानों की बड़ी तादाद पहुंची। ऐसी जगहों पे क्यों नहीं आए जो अदबी भी हैं, जहाँ पे आप कुछ सीख सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी बात भी कह सकते हैं, बिकॉज पैनल्स आर ओपन टू योर क्वेश्चंस आल्सो। जो हमें लाइब्रेरी से इशू नहीं होते, हमें यहाँ पे आके वो मौका मिलता है कि हम अपना नॉलेज को बढ़ा सकें, हम अपना नॉलेज गेन कर सकें। न्यू न्यू बुक्स हमें मिलते हैं, न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, उसके लिए बेस्ट है। हम लोग इतने फूड फेस्टिवल्स होते हैं कराची में, तरह तरह के फेस्टिवल होते हैं, और एजुकेशनल बहुत कम होते हैं, तो हम यूथ को चाहिए कि हम इन चीज़ों को भी सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ पे हर एज के लोग आ सकते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने भी इल्म अदब में दिलचस्पी के बायस फेस्टिवल में शिरकत की। आज का ये जो सेशन था, ये खवातीन की फाइनेंशियल एम्पावरमेंट था कि उनको किस तरह बैंक्स में ज़्यादा अकाउंट ओनरशिप दी जाए और इंक्लूजन बढ़ाई जाए। तो उस टॉपिक पे जो मैं कह रहा था वो ये था कि हम स्टेट बैंक में एक स्ट्रेटजी निकाल रहे हैं जिसके तहत खवातीन के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में पार्टिसिपेट करना इंशाल्लाह ज़्यादा आसान होगा। फेस्टिवल के मुख्तलिफ सेशंस में अदाकारा बुशरा अंसारी समेत मारूफ शख्सियात ने अपनी राय का इजहार किया। आज के सेशन में मैंने और मेरी बहन असमा ने, मेरी बहन नीलम अहमद बशीर का लिखा हुआ गवांडने हम साहे मार जाए, इसीलिए पेश किया कि हम इस बात की तजदीद करना चाहते हैं कि अमन किसी भी सूरत में हो, कभी भी हम उसको भूलेंगे नहीं। 11वीं कराची लिटरेचर फेस्टिवल के इख्तिताम पर रागा बॉयज की म्यूजिकल परफॉर्मेंस ने 4 चांद लगा दिए। कैमरामैन कासिम रईस के साथ सलमान अहमद, समा कराची। फूल जहां खिलते हैं, नैन जहां मिलते हैं, आओ वहां 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 चले। बोलते रंगों की दास्तानें कैनवस पर जादुई सहर जगाने लगी। कराची लिटरेचर फेस्टिवल में स्पेशल तलबा ने धनक के रंगों को चुरा कर सबका दिल जीत लिया। कुव्वते गोयाई से महरूम अब्बाद भी यहाँ अपना हुनर दिखा रहा है। मैं अपने बॉन्ड करता हूँ, कलर्स करता हूँ, मैं बचपन से यहीं पढ़ा हूँ और पढ़ के समझता हूँ और मुझे पसंद है सारी चीज़ें। आइसक्रीम खाएं मगर आंखों का धोखा ना खाएं। स्टॉल में मौजूद मशरूबात और आइसक्रीम के ये प्याले दर हकीकत असल नहीं, मट्टी से बने खूबसूरत बर्तन भी स्पेशल तलबा के हुनर का मुंह बोलता सबूत हैं। ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही है आर्ट और कुम्हार, ये हमारे डेफ बच्चों ने बनाई है। डिफरेंट ग्रेड के बच्चों को हम डिफरेंट स्किल्स दी जाती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आर्ट और कुम्हार, इसके अलावा हम कुकिंग बेकिंग का भी काम अपने बच्चों को सिखाते हैं। रंगों से प्यार करने वाले कहते हैं कि अगर स्पेशल बच्चों की सलाहितों को दुनिया भर में उजागर करने के लिए खसूसी इकदाम किए जाएँ तो ये यकीनन किसी से पीछे ना रहें। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा कराची। पाक सर जमीन पार्टी आज नाजमाबाद अल फारूक ग्राउंड में खवातीन का जलसा करेगी। जलसे के हवाले से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। चेयरमैन पाक सर जमीन पार्टी कहते हैं आवाम के साथ मिलकर जुल्म का खात्मा करेंगे। माए बहने जलसे में भरपूर शिरकत करें। अरबाब इख्तदार अपने इख्तदार के नशे में मस्त हैं, उनको कोई आवाम की फिक्र नहीं है। कराची की माए बहने जो शमा यहाँ पर जलाएंगी, उसकी रोशनी पूरे पाकिस्तान में जाएगी इंशाअल्लाह ताला। उधर ग्राउंड और अतराफ की इमारतों को भी सजा दिया गया है, जबकि कारकुनान की आमद भी शुरू हो गई। तैयारियां जो है फाइनल मराइल पर हैं और इंशाअल्लाह भी जो है वो 3 बजे जो है वो बड़ी तादाद में कराची की माएँ बहनें आना शुरू हो जाएंगी। कुर्सियाँ लग गई हैं,
स्टेज तैयार हो गया है। PSP की जानिब से जलसे को कराची का सबसे बड़ा खवातीन का जलसा करार दिया जा रहा है। कैमरामैन कामरान उद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, सामा, कराची। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी की कराची लिटरेचर फेस्टिवल में फैमिली के साथ शिरकत, खुशगवार मूड में नजर आए। कैमरा और माइक देखकर बातचीत किए बगैर आगे बढ़े तो सवाल पूछ लिया गया, आपको ना इंजन आती ना ऑक्सीजन आती, क्या कर रहे हैं? काम कर लिया था। शब्बर जैदी के जवाब से लगता है कि वो अब काम करने के मूड में नहीं। काम कर लिया था। शब्बर जैदी गुज़िश्ता माह भी बीमारी के बाइस रुख्सत पर चले गए थे। उनकी वापसी पर वजीर आजम बड़े मुतमईन थे। शब्बर जैदी, इतना प्रेशर पड़ा इनके ऊपर, बीमार हो गए शब्बर जैदी और हम बड़ी दुआएं किया कि शुक्र है फिर वापस आ गए, दो हफ्ते की छुट्टी लेके आए। शब्बर जैदी का बार बार बीमार होकर रुख्सत पर चले जाना और गैर सियासी इवेंट में फैमिली के साथ शरीक होकर मानी खेज बातें करना बहुत से जवाब तलब सवालात को जन्म दे रहा है। काम कर लिया था।